सिंह राशि के सभी जातक, देखिए मंगल और राहु की कुछ समय से युति बनी हुई थी और इन्होंने काफी जीवन के अंदर सप्रेशन, टेंशन और तनाव की स्थिति बनाई थी। और कई लोगों के लिए जीवन में इनका ये प्रभाव हुआ कि आपके सिंह राशि के जीवन के अंदर चैलेंजेस का लेवल बढ़ गया, चिंताएं बढ़ गई और उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए या उनके ऊपर प्रयास करने के लिए परिश्रम काफी करना पड़ा, जिससे काफी मानसिक असंतुलन भी हुआ और जीवन में कहीं ना कहीं सुख की कमी, जिसको हम कहते हैं कि सार ज्यादा समय और ज्यादा धन या ज्यादा परिश्रम एक ही काम को लगाना, आपने पूरा करने के लिए लगाया। तो अब कुछ स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। मंगल और राहु की जो कंजक्शन थी, जिसको हम अंगारक युति बोलते हैं, ये अंगारक युति समाप्त होने वाली है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि मंगल और राहु का जो तांडव है वो समाप्त होने जा रहा है। अच्छा, एक बहुत अच्छा परिवर्तन भी हुआ है। अभी कुछ समय पहले देव गुरु बृहस्पति भी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति के अंदर आ गए हैं। तो बृहस्पति के परिवर्तन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी जा करके चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। अब क्या होने जा रहा है कि आपका 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक मंगल महाराज राहु से मुक्त होने जा रहे हैं और मंगल पूरे 1.5 साल बाद आपकी राशि से आपके भाग्य स्थान पर होने जा रहे हैं। अब क्योंकि मंगल आपके भाग्य के मालिक हैं तो ये गोचर अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भैया आदमी सबसे ज्यादा एक ही चीज के बारे में सोचता है कि मेरा भाग्य मुझे कब सपोर्ट देगा, कब सहायता देगा, कब मैं अपने कार्यों में सफल हो पाऊंगा। तो यहां मंगल की स्थिति आपको आपके कार्यों में तो सफलता दे ही रही है, इसके अलावा भी आपके जीवन में कई कुछ उपलब्धियां आपको प्रदान कर रही हैं। तो बात करेंगे आज इन्हीं सभी उपलब्धियों के बारे में और क्या कुछ अच्छा करवा सकता है मंगल का यह है गोचर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो पर मंगल का राशि परिवर्तन प्रभाव, वो भी सिंह राशि पर। तो सिंह राशि के जातक, आपके लिए मंगल ना केवल भाग्य के मालिक हैं, ये आपकी मेहनत है, आपका पराक्रम है, आपका परिश्रम है, आपके जीवन में आपकी एबिलिटी है, आपकी ताकत है मंगल। और मंगल इसी के अलावा आपके जीवन में आपकी प्रॉपर्टी को भी, आप कितना सुख प्राप्त करोगे जीवन के अंदर, किन किन चीजों की आपके पास में उपलब्धियां रहेंगी, इनका भी मंगल आपके लिए मुख्य कारक माना जाता है। तो अब मंगल आ गए हैं आपके भाग्य स्थान पर। तो भाग्य पर आने से सबसे पहला फायदा ये होता है मित्रों कि जहां हमें 70% मेहनत करनी पड़ रही थी और 70% मेहनत का जो फल है, और कहीं ना कहीं 20-30% जो है भाग्य की तरफ से हमें थोड़ा बहुत मिल जा रहा था, कई बार तो नहीं भी मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत से जो हमें सेटिस्फिकेशन था, जो संतुष्टि का जो लेवल था वो बहुत कम था, मेहनत बहुत ज्यादा थी, सफलताएं काफी कम थी। तो भाग्य के साथ मिलने का मतलब यही होता है मित्रों, ये नहीं है कि रातों रात सब कुछ बदल गया, रातों रात उन्नति प्राप्त होगी, इतना मतलब होता है कि आप अपने जीवन में जिस परिश्रम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से कर रहे थे, बहुत ज्यादा आपको चिंताएं और फेस करनी पड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल तक वो टेंशन और वो जो परिश्रम है वो कम हो जाएगा। भाग्य आपको उसका रिटर्न, उसका जो लाभ है वो ज्यादा देना शुरू कर देगा। जब भाग्य अच्छी स्थिति के अंदर होता है तो कई बार छोटे छोटे कार्य जो हैं वो, जो हमारा जब हमारा भाग्य विपरीत होता है तो छोटे छोटे कार्य जो है वो सफल नहीं हो पाते। वहीं अगर भाग्य साथ देना शुरू कर दे तो आप अपने जीवन में बड़े कार्यों को भी आसानी से प्राप्त कर लेते हो, यानी कि जटिल कार्यों। अब देखो मंगल भाग्य स्थान पर है तो मंगल कहीं ना कहीं जटिलता का भी कारक माना जाता है, यानी ऐसे कार्य जो कि बहुत तरह के आपने उपाय कर लिए, कई प्रकार के आपने दिमाग लगा लिया, स्किल्स लगा ली, उसके बाद में भी वो कार्य सफल नहीं हो रहा था तो वो मंगल के इस ग्रह गोचर के अंदर सफल होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए भाग्य स्थान पर मंगल की दृष्टि होने से पिता का भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलता है, पिता के से आशीर्वाद होने से आपके वर्क प्लेस पर जो भी लोग बड़े सम्माननीय पद पर हैं, जो भी जिनके पास अधिकार प्राप्त हैं, उनके साथ आपकी गुडविल अच्छी होगी, उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। और अगर कोई भी लाभ वे किसी को देंगे तो उनकी सबसे पहली चॉइस आप बन जाएंगे, यानी कि सिंह राशि के जातक बन जाएंगे। अब देखिए आप अपने भाग्य को निखार सकते हैं, इस समय आपका जो भाग्य है वो पूर्ण आपकी मेहनत पर आधारित दिखाई दे रहा है, मंगल मेहनत के कारक माने ही जाते हैं, तो आप अपने भाग्य को और ज्यादा बेहतर चमका सकते हो, इस भाग्य से और लाभ ले सकते हो, परंतु ये बैठे बिठाए नहीं होगा, इसके लिए आपको
अपने टेक्निकल स्किल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी लर्निंग्स का प्रयोग करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को प्रदर्शित करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मंगल यहाँ पर आपको, अब कुछ लाभ होते हैं, देखिए जब भी भाग्य स्थान पर मंगल आते हैं तो कुछ लाभ प्रदान कराते हैं, जैसे कि अगर आप अपने जन्म स्थान के आसपास जाकर के कुछ करना चाहते हैं, अपना कोई व्यापार स्थापित करना चाहते हैं या कोई भी जॉब करना चाहते हैं, तो उन लोगों को विशेष उनका कार्य भी सिद्ध हो जाता है, जॉब भी मिल जाती है और काफी अच्छी हद तक उनको सफलता मिलती है। इसी के अलावा भाग्य की सहायता आपको कदम कदम पर मंगल यहाँ पर दिलवाता रहेगा। जब जब आपका समय कठिन हो, जब जब आपको परेशानी में और ये ना लगे कि यहाँ रास्ता कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर चुनौतियां कैसे दूर होगी, तो वहां मंगल भाग्य शमन करके और हनुमान जी महाराज की सहायता से, आपकी इष्ट कृपा की सहायता से आपकी वहां किसी ना किसी रूप में सहायता करवा देंगे। तो मंगल का एक गोचर आपके जीवन में आ रही कठिनाइयों को कम कर देगा। वहीं स्वाभिमान और आपकी महत्वाकांक्षा, ये दोनों ही आपकी चरम पर रहेंगी। मंगल जो है वो द्वादश भाव को देखता है, भाग्य से अगर द्वादश स्थान को देखे तो काफी आप दूर दृष्टिगत, बहुत ज्यादा जिसको हम बोलते हैं बहुत आगे की सोचने वाला व्यक्ति हो जाता है कि आगे मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए मैं ऐसे तैयारी कर लूं, बहुत ही ज्यादा इन चीजों के बारे में ओवर थिंकिंग करने वाला भी हो सकता है। परंतु मंगल का एक बहुत अच्छा गुडविल होता है कि मंगल जब किसी के बारे में कोई भी विचार करवाता है तो व्यक्ति ना केवल विचार करता है, उसके ऊपर क्रियामान भी हो जाता है, यानी उन भविष्य में हो रही होने वाली घटनाओं को लेकर के कुछ चिंताएं मन में पहले से बनेंगी और उसके लिए आप अभी से वो कदम उठा लोगे, और जिस समय आप उस पदवी पर पहुंचोगे तब आप याद करोगे कि उस समय मैंने ये डिसीजन लिया था जिसका लाभ मुझे आज तक मिल रहा है। ये आप में आपके साथ कई बार हो जाता है सिंह राशि वालों, आप जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हो अपने लिए कि वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको उसका एक अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तब आप ये मन में सोचते हो कि मैंने उस समय ये काम कर लिया तो आज तो मुझे लाभ मिल भी गया, वरना तो इससे मैं वंचित हो जाता। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो ये मंगल का गोचर, क्योंकि एनर्जी इस समय बहुत अच्छी रहने वाली है, आपका आलस्य का आप त्याग करने वाले हो, आपके चित्त में आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का एक बहुत अच्छा प्रभाव होने वाला है। इसलिए कई लोगों का प्रश्न रहता था कि महाराज जी बड़े थके थके से महसूस करते हैं, शरीर में एनर्जी लेवल बड़ा डाउन हो गया है, काम करने में मन नहीं लगता, तो काम करने में मन भी लगेगा और आपके शरीर की एनर्जी भी आपको वापस प्राप्त होगी। अब यहाँ मंगल भाग्य स्थान पर आकर के एक तो आपकी रुचि, जिन क्षेत्रों में आपकी रुचि सबसे ज्यादा आप रखते हो उन क्षेत्रों में आप कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हो, उनमें आपकी सोशलाइजेशन हो रही है और उनसे आप लाभ भी प्राप्त कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। मंगल का ये गोचर राजनीतिक क्षेत्रों के लिए अगर मैं बात कहूं या पद प्राप्ति के लिए अगर मैं बात कहूं, जॉब में व्यवसाय के अंदर एक लेवल पर बैठने की मैं बात कहूं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। मंगल का ये गोचर आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत कर रहा है, साथ ही आपको तमाम प्रकार के सुख, जितने भी जीवन के अंदर सुख की कामनाएं होती हैं वो कामनाएं आपकी पूर्ण करवाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ मंगल की योग कारक अवस्थाओं पर हम बात करेंगे, क्योंकि सिंह राशि में मंगल आपके भाग्य के मालिक हैं, तो भाग्य स्थान का मालिक जिस भाव में देख ले वही उन्नति कर देता है। तो सबसे पहले तो मंगल की दृष्टि आती है द्वादश स्थान पर, तो अननेसेसरी खर्चे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो कि अचानक अचानक हो रहे थे उन पर मंगल जो है लगाम लगाता है, आपकी बेफिजूल की यात्राओं को रोक लगाता है, साथ ही आपकी लंबी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश से संबंधित गतिविधियों को सिद्ध कराता है, विदेशी लाभ मिलता है, विदेशी मुद्रा से लाभ मिलता है, MNCs कंपनी में जॉब करने वालों की तरक्की होती है, और अगर बात कहें कि बाहर जाकर की पढ़ाई करनी है, फॉरन सेटल करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मंगल के ग्रह गोचर में अवश्य मिल सकती है, तो इन सभी के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ मंगल की जो सप्तम दृष्टि है आती है आपकी मेहनत पर, अब भाग्य से अगर मेहनत पर दृष्टिपात करें तो ये हमारे लिए डबल लाभ हो जाता है। कैसे, ये भाग्य तो दे ही रहा है, आपकी मेहनत भी सफल करवा रहा है। तो ये कौन सा समय है, अब तीसरे स्थान पर देखना, छोटी छोटी यात्राएं सुगम हो जाती है, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिल जाता है, आपके भाई बहन बंधु रिश्तेदार आदि में आपकी ख्याति तो बढ़ती ही है, वे आपके नाम का कहीं ना कहीं चर्चा जरूर कर सकते हैं, आपकी कुछ विशेष गतिविधियों पर उनकी चर्चा हो सकती है। इसका कहने का मतलब यह कि दो लोग आपके बारे में तभी चर्चा करेंगे जब आप वास्तविकता में उठ रहे हो, आपका उत्थान हो रहा हो, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर हम बात करें मंगल किसी तृतीय भाव पर, तो आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़कर कोई पैसा कमा रहे हो, व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रति आपकी कुछ ना कुछ छोटी छोटी यात्राएं हो रही हैं, छोटे छोटे लोगों से आपका मिलना जुलना हो रहा है,
और तृतीय भाव जो कि कहीं ना कहीं परिश्रम को, छोटी छोटी यात्राओं को दिखाता है, ऑनलाइन गतिविधियों को दिखाता है, इसी भाव से आपका मेहनत यानी आपके छोटे छोटे कार्यों से बड़ी सफलता जो है वो दिखाई देती है। इसलिए कभी भी आप अपने छोटे कार्यों को कम मत हाकिएगा। और ये मंगल के अलावा इसकी अष्टम दृष्टि जो है ये सीधा जाती है आपके चतुर्थ स्थान पर। अब देखिए ये बहुत अच्छा हो जाता है, चतुर्थ स्थान पर दृष्टि होने से यहाँ कहते हैं कि मंगल का संपूर्ण योग आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस भाव को सुख से जाना जाता है। आपके दाम्पत्य जीवन का भी सुख है, आपकी फैमिली का भी सुख है, आपके परिवार का भी सुख है। तो मंगल की दृष्टि आपके परिवार तक की स्थिति को बेहतर करती है, परिवार में कोई बड़ी चिंता बड़ी टेंशन है उसको कम करती है। मंगल यहाँ पर आपको परिवार के लिए कुछ करने का मौका दे रहे हैं, उनको आपके द्वारा आपका यानी कि कुलदीपक नाम का राजयोग एक प्रकार से हम कह सकते हैं, रुचक नामक राजयोग हम कह सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठ करके आप ऐसी गतिविधियां करोगे, इस प्रकार से धन कमाओगे कि नाम और शोहरत दोनों आपके नाम से बिखरेगी, कि परिवार को भी आपके ऊपर गर्व होगा कि हाँ ये हमारा पुत्र है, ये हमारा भाई है, ये हमारी संतान है। तो मंगल की क्योंकि छुपी हुई शक्ति आपकी बाहर निकलेंगी, इसी के अलावा पूर्ण सुख जो है वो मंगल यहाँ प्रदान कराते हैं। जीवन के अंदर देखिए सुख की कोई डेफिनेशन नहीं है, जिस चीज से आनंद आ जाए वही चीज आपकी सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत बड़े कोई राजा बन गए या बहुत बड़ी पदवी मिल गई, परंतु ये बात वास्तविक है कि जिस चीज से आप सुख की कामना कर सकते हो वो चीज आपको अवश्य गोचर प्रदान करा सकता है। इसके अलावा बात करेंगे ऐश्वर्य की, वैभव की, संतान और स्त्री की, तो ये आदि सब ये सुख आपको प्राप्त हो रहे हैं। और नौकरी में अगर पद की हम बात करना चाहें, क्योंकि अभी हम देखते हैं, देखिए मंगल तो बहुत अच्छी स्थिति के अंदर आ गए, परंतु अभी साथ ही साथ अभी राहु भी अष्टम में चल रहा है। इधर एक तरफ राहु खर्च को बढ़ा रहा है, वहीं को अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो रहे हैं, तो वहीं मंगल इन अनएक्सपेक्टेड खर्चों को कम कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी हमें राहु पर भी थोड़ी दृष्टि रखनी पड़ेगी, और मंगल तो हमें लाभ दे ही रहा है। तो आप क्या करें, आप माँ दुर्गा की आराधना करें, सरस्वती माता के आगे रविवार को घी का दीपक आप जरूर जलाएं, और हो सके तो 8 मुखे रुद्राक्ष धारण कर लें। ज्यादा अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों आशा करते हैं बताई गई जानकारी संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्या।